आज मैं आप सबके साथ बाजरे के ये बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी संक्रांति स्पेशल लड्डू जो है वो शेयर करने वाली हूँ। कैसे हो आप सब? और अभी ना रात के 11:30 बज रहे हैं, मैं टॉर्च दिखा रही हूँ और हम धान ढक रहे हैं क्योंकि अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई है। और देख लीजिए कितनी ज़्यादा हम किसान मेहनत करते हैं, इसीलिए मैं बोलती हूँ बहुत मेहनत के बाद एक वीडियो बनती है। कुछ लोगों की सोच नहीं बदल सकते, लेकिन आप सब जितने भी गाँव से जुड़े लोग हैं, यूपी बिहार के हमारे भाई लोग हैं या फिर गाँव से ही शहर में लोग जाके बसते हैं, तो देख लीजिए मैं सारा ये जो पुअरा है वो छत पर मैंने चढ़ा दिया था। मैं इतनी रात को टॉर्च लेके छत पे गई और पुअरा मैं नीचे फेंकी हूँ, तो ये उठा उठा के जो है वो रख रहे हैं, ढक रहे हैं। और इतनी ठंडी में ना पूरी बारिश हो रही थी और हम भीग भीग के ये सारा काम खत्म। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। हेलो, कैसे हो आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गाँव की शांति में। हैप्पी ढूंढा ढूंढी, ढूंढा ढूंढी से कुछ याद आई कि खिचड़ी आवता। जी हाँ, हमारे यहाँ जो है वो संक्रांत जिसे बोलते हैं, जिसे लोहड़ी बोलते हैं, वो आने वाला है। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी बाजरे के लड्डू, मतलब बाजरे के आटे के लड्डू। इसमें स्पेशल क्या है कि हमारे यहाँ जो ढूंढी जिसको हम बोलते हैं, जो लड्डू बनते हैं, वो बाजरे को भून के उसको पिसवा के बनवाते हैं। लेकिन मैं जो हूँ वो ऐसा तरीका बताऊँगी कि सिर्फ आपको बाजरे का आटा चाहिए और इतने टेस्टी लड्डू बन के तैयार होंगे कि आप खुद सोचेंगे कि दीदी आपने क्या बता दिया। हमारे घर में तो रोज़ बनते हैं। बाजरे में आयरन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, ये हमारे देश का अनाज है, हमारे क्षेत्र का अनाज है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और हर घर में, यूपी और बिहार में सबका घरे ढूंढा ढूंढी तो बनिए गई होई, तो उसकी रेसिपी मैं झट से शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले लेके अपने चेहरे पे स्माइल प्लीज़ प्लीज़ कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, याद से बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ मिल जाए। और सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, लाइक और कमेंट करने के भी कोई पैसे नहीं लगते, उससे किसी के चेहरे पर स्माइल ज़रूर आती है। तो मैं किचन में चलती हूँ, जल्दी से बनाते हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं आपको लड्डू बनाना सिखाऊं, उससे पहले मुझे एक बात याद आ गई। मेरी एक फ्रेंड हैं जो बनारस में रहती हैं और जिनके खुद की दुकान थी कोरोना से पहले, मतलब ये जो लॉकडाउन लगा उससे पहले उनकी एक दुकान थी। जैसे लॉकडाउन लगा उनकी पूरी की पूरी दुकान बंद हो गई। आप सब समझ सकते हैं, जिस लोग का पूरा खर्चा ही दुकान से चलता हो, जिसकी रोजी रोटी उस दुकान पर निर्भर थी, वो बंद हो गई। तो उन्होंने मुझे बहुत बार कॉल किए लेकिन मैं उनकी कोई हेल्प नहीं कर पा रही थी। आप सब समझ सकती हैं, मैं उनकी कोई हेल्प नहीं कर पा रही थी। बार बार मैं बोलती थी कि ठीक हो जाएगा, लॉकडाउन ख़त्म हुआ लेकिन दुकानें खुली, लेकिन लोगों ने घर से बाहर निकलना मतलब कम किया, बहुत कम लोग बाहर निकले, तो उनकी दुकान बिल्कुल चौपट हो गई। तो ऐसे ही मैं एक दिन YouTube चला रही थी, चलाते चलाते जब मैंने देखा एक दुकान ऐप के बारे में देखा, जहाँ पे आप सब जो हैं, हम सब जो हैं, अपनी खुद की चीज़ों को, अपने खुद का दुकान वहाँ पे बना सकते हैं। तो दुकान ऐप एक ऐसी जगह है, एक ऐसा ऐप है कि आपको सिंपली से गूगल के प्ले स्टोर से, जैसे आप दुकान ऐप डाउनलोड करेंगे, ओपन करेंगे, वहां पे आपको नंबर से वेरीफाई कर लेंगे, अपना ओटीपी वहां पे डाल के अपने जो भी प्रोडक्ट है आप उनको, जिनको बेचना चाहते हैं, उनका फोटो और उनका जो प्राइस है वो ऐड करिए। और सिंपल से जब आप ऐड करेंगे तो आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसको आप अपने व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। उस लिंक के थ्रू जो है वो लोग आपके प्रोडक्ट को अपने मतलब शॉपिंग कर सकते हैं और आप अपनी खुद की दुकान को बना के बहुत ही अच्छे पैसे अपने घर बैठे अपने खुद के प्रोडक्ट को अपना दुकान ऐप पे खोल सकते हैं। लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, यहाँ से एक बार जाइए और दुकान ऐप पे अपनी दुकान एक बार जाके आप साइन अप जरूर करें और दुकान ऐप पे अपनी खुद की दुकान जरूर बनाएं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। तो ये देखिए यहाँ पे घी जो है वो गरम हो रहा है। घी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगता है लेकिन बिना घी के लड्डू कैसे, और वो भी ठंडियों के लड्डू तो बिल्कुल नहीं। तो पहले यहाँ पे घी जो है वो गरम हो रहा है। जब तक मेरे जो घी गरम हो रहे हैं तब तक जो गुड़ है, गुड़ को मैं अच्छे से कूट लूंगी क्योंकि ये वाले जो लड्डू है वो हम गुड़ के साथ बना रहे हैं। आप चाहे तो इसमें पिसी हुई चीनी या फिर
जैसे कि खांड जो आती है चीनी की जो बनती है या गुड़ की खांड होती है वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको गुड़ से बनाएंगे। गुड़ हेल्दी के साथ साथ ये सीजन भी ठंडियों का है, दूसरा संक्रांत के लिए हम इसको स्पेशली बना रहे हैं, तो इसको जो है वो हम गुड़ के साथ बनाए। तब तक मैं गुड़ कूट लेती हूँ। और सबसे पहले हम गोंद जो है यहाँ पे, ये देखिए मैंने 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने गोंद लिया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे गोंद को तल लेंगे। और जब भी हम गोंद को फ्राई करें, मतलब इसको तल रहे हो, तब बहुत ही धीमी आंच में ही गोंद को जो है वो डालना चाहिए, वरना ये फूल तो जाएंगे लेकिन ये अच्छे नहीं रहते। इसलिए मैंने एकदम लो, मतलब लो फ्लेम पे इसको जो है वो गोंद मैंने यहाँ पे डाला है। और ये हमारे गोंद जो है वो हो चुके हैं, तो पहले मैं इसको निकाल लूँगी। के बाद ये जो बचा हुआ घी है उसी में हम अपने बाजरे के आटे को डाल के भूनेंगे। और यहाँ पे मैंने जो है वो बाजरे का आटा डाल दिया है, पहले मैं इसको अच्छे से मिला लेंगे। और जब हमको इसमें घी की जरूरत और लगेगी तो थोड़ा सा घी जो है वो इसमें हम और ऐड करेंगे। तो ये देखिए इसमें हमें इतना घी रखना है कि इस पूरे घी में इस आटे को जो है वो अच्छे से हमें भूनना है। ये देखिए इस पूरे मतलब आटे को भूनने में अगर मैं टाइम बताऊं तो 10 से 15 मिनट जो है वो लगेंगे। इसमें से अच्छी सी सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगेगी। और यकीन मानिए ये बाजरे के जो लड्डू आप बनाएंगी ना तो तारीफें तो आपको मिलनी ही मिलनी है। और मुझे जरूर बताइएगा। इसको पहले मैं भून लूं। और ये देखिए आटे का जो कलर है वो धीरे धीरे करके यहाँ से नीचे से देखेंगे चेंज होना शुरू हो गया है। और मुझे लगभग 10 मिनट तक हो चुके हैं इसको भूनते हुए, लेकिन 5 मिनट हम अभी इसको और भूनेंगे। और ये ना घी छोड़ने लगता है, अभी सूखा सूखा लग रहा था ना शुरू में, अभी आप देखेंगे ना ये थोड़ा सा गीला गीला सा होने लगता है, तो थोड़ा इसको 5 मिनट हम और भून लेंगे। अरे हमारे यहाँ तो भरसाई समझते हैं, जहाँ दाना भुजवाते हैं वहां पे बनाते थे, लेकिन ये जब से नई ट्रिक पता चली ना यहाँ पे, जो मेरा मतलब मायके में या ससुराल में मुश्किल हो जाता है, कौन लेके जाएगा, है तो लेकिन लेके जाना मुश्किल हो जाता है। तो आप ऐसा जरूर, और कोई भी आपकी ऐसी ही चाहिए ना कोई भी रेसिपी की वीडियो या फिर मेकअप रिक्वेस्टेड कोई भी वीडियो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो ये हमारा हो गया है, तब तक मैं थोड़े से काजू और बादाम जो है वो काट लेती हूँ। ऑप्शनल है तो डालिए, नहीं है तो नहीं डालिए। अभी तो मैंने मंगा लिए, उसी के लिए थोड़े थोड़े से मंगा के रखे हैं। और आप नहीं तो नारियल को कद्दूकस कर लीजिए, ज्यादा मतलब मात्रा में थोड़ा सा सस्ता भी होता है। तो ये सब मैं इसलिए बता देती हूँ कि भाई देखो हमेशा काजू किशमिश डाल के तो हम नहीं बना सकते, अभी थोड़ा त्योहार आया है तो थोड़ा सा खर्चा हो ही जाता है। 15 मिनट हो गए हैं और देखिए नीचे से ये चिपकने लगेगी। जल्दी जल्दी इसको चला के इसको हम एक बर्तन में निकाल के इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे, क्योंकि ये जो है वो हो चुका है। आप देखिए इसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। यहाँ पे ये देखिए मैं गुड़ से, तो ये गुड़ को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। आप चाहे तो इसको अच्छे से एकदम बिल्कुल भी गुठलियां ना रहे ऐसे तोड़ लेना है, या फिर हम इसको थोड़े, और हम कढ़ाई में जो है वो इस गुड़ को पिघला लेंगे, जब तक ये जितनी भी ऐसे गुठलियां टाइप से दिख रही है ना ये सब जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगे। इसमें पानी का हम प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हम लड्डू बना रहे हैं इसके। ये देखिए गुड़ हमारा मेल्ट हो रहा है, मतलब इसको जितने भी इसमें गुठलियां दिख रही है ना बस इसको पिघला देना है। और याद रखिएगा धीमी आंच पे, आंच थोड़ी सी भी जो है वो तेज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये आटा जो है वो ठंडा मतलब हो चुका है। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये नारियल का कद्दूकस करके लिया, थोड़े से बहुत 2-4 मैंने बादाम थे मेरे पास, ये काली तिल, ये थोड़े से काजू और किशमिश, और ये जो हमने गोंद जो है जो मैंने शुरू में इसको फ्राई किया था इसको मिला देंगे। गुड़ जो है वो देखिए यहाँ पे ये भी मेल्ट हो चुका है, तो हम सभी को पहले मिलाएंगे।
और फिर हम इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट हैं, आप चाहे तो मूंगफली भी मतलब भून के उसको अच्छे से उसका छिलका निकाल के यूज़ यहाँ पे कर सकती हैं। आपके पास जो भी चीज़ हो आप वो यूज़ करिए, कोई ये नहीं। हाँ, लेकिन गोंद बहुत सस्ते मिलते हैं, आप 10-20 रुपए का ले लोगे ना बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं और इसके लड्डू अच्छे भी लगते हैं। तो ये देखिए, जितने भी ड्राई फ्रूट हैं वो मैंने यहाँ पे मिला दिया है। इसके ना आप एकदम शुगर फ्री चाहते हो ना, कि कोई मतलब थोड़ा भी शुगर ना डाले, चीनी या गुड़ ना यूज़ करे, काला तिल मैंने इसलिए मिलाए हैं। तो आप ऐसे भी लड्डू बना सकते हैं, और काला तिल क्योंकि तिल विशेष होता है संक्रांति के लिए, तो आप सबको पता ही है। और ये देखिए, हस्बैंड जो है अभी से मुस्कुरा रहे हैं, बोल रहे हैं कि खिचड़ी तक की कुल लड्डू एक ना बचे, ओ हो लाइट चली गई, इसीलिए मैं बोलती हूँ लाइट। तो ये देखिए ऐसे ही भी बंद जाएंगे, लेकिन हमें जो है इसको गुड़ के साथ बनानी है, तो अब हम इसमें गुड़ अपना जो है वो मिला देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं लड्डू बना रही हूँ और बेटी पढ़ाई कर रही थी क्योंकि ठंडी है, यही वाला हमारा मतलब सामने यही वाला ही रूम है, इसी में पढ़ाई करती है। तो मैं उससे कुछ बातें कर रही थी, वो बोल रही थी मम्मी बस जल्दी से बना दो और भगवान जी के लिए निकालो, भगवान जी को भोग लगाओ और जल्दी से मेरे को दे दो। तो मैं उसको बहुत समझा रही थी कि नहीं बेटा थोड़ा टाइम लगेगा, अभी वेट कर लो आप। बन गए ये देखिए बाजरे के लड्डू, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, मेहनत लगी झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि टाइम थोड़ा सा लगा इसको भुनने बनाने में। अब मैं ले जाके रख दूँगी पूजा के लिए जो संक्रांत को होती है, और भगवान जी के लिए, और उसके बाद इन चढ़ाने के बाद इन लोगों को दूंगी। तो ये तो थी मेरी आज की ये लड्डू स्पेशल लड्डू वाली वीडियो, और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हैप्पी संक्रांत फिर से एक बार आप सबको। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, और कैसी वीडियो लगी जरूर बताइएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी संक्रांति स्पेशल ही आएगा, कल आएंगे तिल के एकदम अच्छे से लड्डू, और बस इंतज़ार करिए अच्छी अच्छी वीडियो का। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि इधर बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है।